पूर्ण तरीके से सुनचौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के संजौली इलाके की है, जहां मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर भारी भीड़ पहुंची और जमकर बवाल काटा। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई, सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। हालांकि बाद में वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस बल नाकाफी साबित हुआ। भीड़ ने कई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो लोग सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, सरकार पर भी निशाना साधने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि संजौली चौक तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जो कि निंदनीय है। बता दें कि इस प्रदर्शन के लिए हिंदू संगठनों ने इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। लोगों का आरोप है कि वो परमिशन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, वो अवैध निर्माण के खिलाफ हैं और प्रदर्शन जारी रखेंगे। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से सुनचौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यह अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसे मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। बता दें कि हिंदू संगठनों की मांग है कि मस्जिद का अवैध निर्माण तुड़वाया जाए। बीते दिन मलयाला में दोनों समुदायों के बीच हुई लड़ाई के बाद यह मामला भड़क उठा था। गौरतलब है कि यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश की सियासत पर भी छाया हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, वहीं 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई है। प्रशासन से सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। वहीं राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बिगड़ने दे सकते, पूरा मामला कोर्ट में है, अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको ढहाया जाएगा। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है, पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे क्योंकि वो मैटर सब जूडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहां पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में है, अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको ढहाया जाएगा। खैर, प्रदर्शनकारी इस बात को मानते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।